बॉलीवुड एक्टर श्रद्धा कपूर ने अपने रिलेशनशिप को कन्फर्म किया है। श्रद्धा कपूर के लिए साल 2024 काफ़ी लकी रहा है। दरअसल इस साल सिनेमाघरों में रिलीज हुई उनकी फिल्म स्त्री 2 ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े और 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई की। फिल्म की सक्सेस को एंजॉय करने के बीच में श्रद्धा कपूर ने अपने रिलेशनशिप को कन्फर्म किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि उन्हें अपने पार्टनर के साथ समय बिताना काफ़ी पसंद है। इसके साथ ही श्रद्धा कपूर ने शादी को लेकर खुलकर बात की है। आइए जानते हैं कि एक्टर ने क्या कहा है। श्रद्धा कपूर ने कॉस्मोपॉलिटन के साथ बात करते हुए कहा कि मैं रिलेशनशिप में हूँ। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। श्रद्धा कपूर ने कहा, मुझे अपने पार्टनर के साथ समय बिताना और उसके साथ मूवी देखना, डिनर पर जाना या ट्रैवल करना बहुत पसंद है। मैं आमतौर पर ऐसी इंसान हूँ जो साथ में कुछ करना या साथ में कुछ ना करना पसंद करती हूँ। श्रद्धा कपूर से सवाल किया गया कि वह शादी में विश्वास करती हैं। इस पर उन्होंने कहा, यह शादी में विश्वास करने के बारे में नहीं है, बल्कि सही व्यक्ति होने या सही के साथ में होने के बारे में है। अगर कोई शादी करता है तो ये अच्छा है, लेकिन अगर वो शादी नहीं करना चाहता है तो ये भी उतना ही सही भी है। बताते चलें कि बीते साल खबर आई थी कि श्रद्धा कपूर राइटर राहुल मोदी को डेट कर रही हैं। दोनों कई बार एक साथ स्पॉट हुए थे। हालांकि बीते अगस्त में रिपोर्ट में दावा किया गया कि श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी का ब्रेकअप हो गया है। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि श्रद्धा कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से राहुल मोदी को अनफॉलो कर दिया था। वैसे आप सभी व्यूवर्स को श्रद्धा कपूर के शादी पर व्यू कैसे लगे हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। धन्यवाद।